क्लास टेंथ एक्सरसाइज 5.3 सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होगा? सम ऑफ एंड टर्म का सिंबल होता है एस एन, एन को थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे एज ए सुफिक्स, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है? ए फर्स्ट टर्म है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर किसी भी एपी में, चाहे उसमें 10 टर्म हो, चाहे 20 टर्म हो, चाहे 100 टर्म हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,00,000 टर्म हो, उन सबका सम निकालना हो, तो केवल इस छोटे से फार्मूले से हम कितनी भी टर्मों का सम निकाल सकते हैं। एक सम ऑफ एन टर्म के लिए दूसरा फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म। इस फार्मूले का यूज तभी हो सकता है अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म ए और लास्ट टर्म एल है तो, वरना इस फार्मूले का यूज नहीं हो सकता। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का होना जरूरी है तब इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, और इस फार्मूले का यूज आप सभी जगह कर सकते हैं, चाहे लास्ट टर्म दे रखी हो चाहे ना दे रखी हो। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। एपी इज गिवन टू 7, 12, --10 टर्म्स। क्या करना है? फाइंड दी सम अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो 10 टर्म्स का सम फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए फर्स्ट टर्म क्या है, 2, डी कॉमन डिफरेंस का फार्मूला a2 - a1, ए टू है 7, 7 - 2 इज इक्वल टू 5, तो डी कॉमन डिफरेंस हो गया 5। और कितने टर्म्स हैं? 10 टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स 10, एन इज इक्वल टू 10। सम फाइंड करना है तो हम एस एन लिखेंगे, फार्मूला एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह हम लिख देंगे 10, 10 बाई टू इंटू टू ए, ए की जगह 2 आ जाएगा, प्लस एन माइनस वन, एन की जगह 10, 10 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 5, 10 बाई टू कितना होता है 5, 2 टू जा 4, 10 में से 1 गया 9 इंटू 5, नेक्स्ट लाइन में 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 9, 5 जा 45, पहले मल्टीप्लाई करते हैं एडिशन बाद में होता है, 45 में 4 ऐड कर दो 49 और ये वाला 5, दोनों का मल्टीप्लाई 245। तो ये जो 245 है ये 10 टर्म्स का ये सम है, ये है 10 टर्म्स का सम। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, पहले 10 टर्म्स लिख लो, जैसे 2 और 5 7 और 5 12 और 5 17 और 5 22 और 5 27 32, ऐसे 10 टर्म्स लिख के उनको ऐड कर दो आपस में तो भी यही आंसर आएगा। लेकिन मान लो यहाँ 10 की जगह 100 टर्म्स आ जाए तो मुश्किल हो जाएगा ऐड करना, या 10 की जगह 1000 आ जाए 1000 टर्मों को ऐड करो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, या 1,00,000 आ जाए 1,00,000 टर्मों को ऐड करो, तो हम इस फार्मूले से आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट पर। तो एपी क्या है इसमें? -37, -33, -29 --12 टर्म्स, 12 टर्म्स को ऐड करना है। ए फर्स्ट टर्म है -37, डी कॉमन डिफरेंस a2 - a1, a2 क्या है -33, माइनस a1 क्या है वो नेगेटिव है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, -33 -+37, डी इज इक्वल टू 4। तो टर्म कितनी है? नंबर ऑफ टर्म है 12। फाइंड क्या करना है? सम इन 12 टर्मों का सम फाइंड करना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह 12 पुट कर देंगे, एस 12 यानी कि 12 टर्म्स का सम, सम ऑफ 12 टर्म्स, एन बाई टू 12/2 इंटू टू ए, 2 मल्टीप्लाई ए, ए की जगह -37 प्लस एन माइनस वन, 12 - 1 इंटू डी, डी की जगह 4, 12/2 होता है 6, 2 और -37 की मल्टीप्लाई -74, 12 में से बन गया 11, 11 + 4 = 44, तो -74 एंड +44 हो जाएगा -30 × 6, तो सम ऑफ 12 टर्म हो गया -180। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। तो एपी गिवन है 1/15, 1/12, 1/10 --11 टर्म्स तक,
हमको सम फाइंड करना है। ए फर्स्ट टर्म है 1/15, डी का फार्मूला A2 माइनस A1 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 का LCM 60, 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1/60, तो डी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/60। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें, 11 टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 11। तो क्या फाइंड करना है हमको, सम फाइंड करना है इन 11 टर्म्स का। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह 11 पुट कर देंगे, एस 11, यानी कि 11 टर्म्स का सम, सम ऑफ 11 टर्म्स फाइंड करना है। एन बाई टू 11/2 इंटू टू ए, 2 इंटू 1/15 प्लस एन माइनस वन, यानी कि 11 माइनस वन इंटू डी, डी की जगह आ जाएगा 1/60। एस 11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 2 वन ज़ा 2 बाई 15, 11 में 7 गया 10 इंटू 1/60। एस 11 इक्वल टू 11/2 इंटू 2 बाई 15 प्लस 1/6। एस 11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 15 और 6 का एलसीएम 30, 15 टू ज़ा 2 टू ज़ा 4, 6 5 ज़ा 30, 5 वन ज़ा 5, 11/2 मल्टीप्लाई 9/30, 11 9 ज़ा 99, 30 टू ज़ा 60, ये आ गया आंसर। ये है सम ऑफ 11 टर्म्स। तो क्वेश्चन 1 और 2 के सारे पार्ट्स फेयर कॉपी में हम करेंगे।